कॉलेज में पढ़ने वाला, आजकल के मस्ती माहौल में चलने वाला एक प्रेमी प्रेमिका का युगल जोड़ा आपस में अपनी बाइक पर बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक पान की दुकान पर अपनी बाइक रोकी और वहां से दो सिगरेट ली और वहीं पर फूकने लगे। उसी पान की दुकान के बगल में नीचे एक फकीर बैठा हुआ था। उस युवती ने सिगरेट का धुआं उस फकीर के ऊपर फूकना शुरू कर दिया। वह फकीर मुस्कुराया और वापस अपने में लग गया। उस युवती से सहा नहीं गया और उसने अपने यार से कहा कि यह मुझे देखकर हंस रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो युवक ने कहा कि छोड़ो, फकीर आदमी है, हंस दिया होगा ऐसे ही। सिगरेट खत्म होने के बाद उन दोनों ने पान चबाना शुरू किया और युवती ने पान चबाते हुए वो जो उसकी लाल पीक होती है वो उस फकीर के ऊपर थूक दी। लेकिन फकीर फिर भी मुस्कुराया उसको देखकर और मुस्कुराते हुए वापस अपने काम में लग गया। इस बार युवती से सहा नहीं गया। युवती ने अपने यार से कहा कि तुम कैसे यार हो, यह फकीर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है और मुझे छेड़ रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर क्या। युवती का यार जोश में आ गया और वह उस फकीर के पास जाकर उसे गाली देता है। लेकिन फकीर इस बार भी मुस्कुराता रहा और अपने में लग गया। फकीर की मुस्कुराहट यार को उसकी बेइज्जती लगी। उसने जवानी के जोश में आते हुए उस फकीर के गाल पर एक तमाचा रख दिया और उसकी जेब में पड़े 10 रुपए हवा में उड़ा दिए और दोनों उसकी खिल्ली उड़ाते हुए अपनी बाइक से तेज रफ्तार से वहां से निकल गए। वो अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि उनकी बाइक एक छोटे से बच्चे से टकरा जाती है और उनकी बाइक का बैलेंस बिगड़ते हुए सड़क के साइड में एक कीचड़ था वहां पर जाकर गिर जाती है। कीचड़ में गिरने से उस युवती का सर पूरा कीचड़ से सन जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह कीचड़ से लथपथ हो चुका था और कीचड़ में पड़े एक पत्थर से सर टकराने के कारण उसका सर भी खून से लहूलुहान हो जाता है। और कुछ देर बाद जब उस घायल बच्चे के परिवार वालों को यह बात पता चली तो फिर क्या, फिर पूरा गांव ही वहां पर उमड़ पड़ा और जमा भीड़ ने उस युवती के प्रेमी पर लापरवाही पूर्वक और शराब पीकर गाड़ी चलाने का इल्जाम लगाते हुए उसे खूब पीटा और जिसे जहां जगह मिलती लाते घुसे तमाचे उस पर रखते जाते और वहां पर जमा भीड़ उन पर हंसती और तमाशा देखती और कुछ लोगों ने तो उनके तस्वीरें निकालनी तक शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और इतना ही नहीं, उस घायल बच्चे के लिए उनको 2 लाख रुपए भी खर्च करने पड़े। तभी वो फकीर उनके पास आकर बोला कि बेटा ज्यादा लगी तो नहीं, और बोला कि बेटा अगर तुमने मेरी पहली मुस्कुराहट का मतलब समझा होता तो शायद मैं अपने यार को रोक भी लेता। लेकिन उन युवक युवतियों को इस फकीर की बात कुछ समझ में नहीं आई। फकीर ने पूरी बात समझाते हुए उनसे कहा कि जब तुमने मुझ पर सिगरेट का धुआं उछाला था तब मेरे यार को भी यह बात पसंद नहीं आई और मैं मुस्कुराकर बात टालने की कोशिश कर रहा था। फिर जब तुमने मुझ पर पान की थूक फेंकी तब भी मैं मुस्कुराकर बात शांत करने की सोच रहा था, और जब तेरे यार ने मुझे गाली दी थी तब भी मैं मुस्कुराकर बात टालने की ही कोशिश कर रहा था। लेकिन जब तेरे यार ने मुझ पर हाथ उठाया फिर मेरे यार से सहा नहीं गया, और फिर देख मुझ पर धुआं फेंकने के बदले में तेरा मुंह कीचड़ से रंग दिया, मुझ पर पान की थूक फेंकने के बदले में मेरे यार ने तेरा सर लाल लहू से रंग दिया। तेरे यार ने तो मेरे गाल पर एक ही चाटा मारा था, लेकिन मेरे यार ने तेरे यार के गाल पर चाटों की जो बरसात कराई है उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। और तुम दोनों जाते जाते मुझ पर खिल्ली उड़ाते गए थे, लेकिन मेरे यार ने तो पूरे भीड़ को तुझ पर हंसाया है और तेरी इन शक्लों की तस्वीरें ले ली है जिससे तुम्हारा तमाशा बन गया है। और तेरे यार ने जाते जाते मेरी जेब से 10 रुपए के नोट को निकालकर हवा में उड़ाया था, लेकिन देख मेरे यार ने तेरी यार के जेब से 2 लाख रुपए खर्च करवा दिए। और वह फकीर बोला, एक ये तेरा यार है और एक वो मेरा यार है, क्या करूं, मेरे यार की यारी ही ऐसी है कि मेरी जरा सी भी तकलीफ उससे देखी नहीं जाती।